लोग, आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल रेसिपी, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन के लड्डू और बैंगन का भरता जो कि बाजरे के आटे से बनते हैं। बाजरे की रोटी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर लिंक शो हो रहा है, वहाँ से आप बाजरे की रोटी की रेसिपी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाजरे की रोटी हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और लहसुन के लड्डू भी हम सर्दियों में ही खाते हैं क्योंकि फ्रेश गार्लिक से बनता है, फ्रेश गार्लिक सर्दियों में ही अवेलेबल होता है। मेमन फैमिली में और गुजराती फैमिली में इसे बहुत शौक से खाया जाता है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं अकॉर्डिंग टू सीजन अपने घर में देसी खाने ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल खानों से हमें अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं बैंगन का भरता और लहसुन के लड्डू कैसे बनाती हूँ। फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी हमने यहाँ पहले से बना के रखी है। अगर आपको मेरी बाजरे की रोटी की रेसिपी चाहिए तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा है, आप वहाँ से मेरी बाजरे की रोटी की रेसिपी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बाजरे की रोटी के इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। बहुत बारीक हमें ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा मोटा सा रखना है हमें इसे। लहसुन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लहसुन लिया है यहाँ पर 1/2 kg। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और इसे सुखा लिया है। अब मैं इसे बारीक काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हमारा बिल्कुल मैंने बारीक काट के तैयार रखा है। अब हम बैंगन के भरते की तैयारी करेंगे। भरते के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं, 3 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, हरी प्याज चाहिएगी हमें, साबित जीरा लिया है मैंने यहाँ पर, नमक है हसबे जायका 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी चाहिएगी हमें। बैंगन पर मैंने ऑयल लगाकर इसे गैस पर रख दिया है। जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इसका छिलका उतार के इसे स्मैश कर लूँगी। प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है, इसका वाइट पार्ट मैंने अलग रखा है और ग्रीन पार्ट को मैंने अलग रखा है। बैंगन मैंने यहाँ पर मैश कर लिए हैं, 3 अदद टमाटर हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ऑयल मैंने यहाँ पर गरम रखा है और सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। हल्का सा जब ये करकरा होने लगेगा तो इसमें मैं जो मैंने हरी प्याज काट के रखी है उसका वाइट पार्ट जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी और प्याज को मैं 2 मिनट तक भूनूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से गल जाए। फ्रेंड्स, भरते को हम टमाटर के पानी में ही पकाएंगे, ऊपर से पानी हम शामिल नहीं करेंगे। देखें फ्रेंड्स, 2 मिनट हो, टमाटर हमारे थोड़े गल गए। अब मैं इसमें ड्राई मसाला डाल दूंगी। फिर मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने मैश करके बैंगन रखे हुए हैं उसे शामिल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, ये अपने पानी में ही पका है मसाला। अब मैं इसमें बैंगन शामिल कर रही हूँ। बैंगन शामिल करने के बाद हम अच्छे से टमाटर को और बैंगन को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे। अब आखिर में मैं हरी प्याज डालूंगी और इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लें। दूसरी तरफ हम लहसुन के लड्डू की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 कप से कम ऑयल लिया है, देसी घी है ये, 1/2 कप देसी घी लिया है मैंने और 1/2 कप मैंने यहाँ पर सादा घी लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा देसी घी भी ले सकते हैं। अगर आपको देसी घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें देसी घी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सर्दियों में बनाया जाता है और इसके फ़वाद भी बहुत सारे हैं और इसका ज़ायका भी देसी घी में ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरी तरफ गैस पर मैंने कोयला रख दिया है क्योंकि इसमें हम कोयले का दाग भी देंगे।
बहुत सारे लोग इसमें कोयले की स्मोक पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें, लेकिन चूंकि मैं ऑथेंटिक और रियल रेसिपी हमेशा शेयर करती हूँ तो यहाँ पर हम कोयले का दाग भी देंगे। जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म होगा इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन में थोड़ा सा नमक मिला के मैंने इसे रख दिया था। देखें फ्रेंड्स, लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। अब बहुत ही थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे, 2 मिनट हम इसे तेल में करकरा करेंगे और फिर जो हमने बाजरे की रोटी को ग्राइंड करके रखा हुआ है उसमें हम इसे डाल देंगे। अब मैं इसमें कोयले का दाग दूंगी। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल रही हूँ मैं और इसे मैं यहाँ ढककर रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ऑयल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, लहसुन में अच्छा से स्मोक आ गया है कोयले का, बारबेक्यू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप घी कम पसंद करते हैं, ऑयली चीज़ें इतना खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप कम ऑयल डालें, लेकिन चूंकि हम थोड़ी सी ट्रेडिशनल डिशेज़ है और ये साल में 1-2 बार ही सर्दी के मौसम में खाई जाती है, तो ये कि इसमें घी वगैरह थोड़ा अच्छे से डला हुआ हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे। देखें फ्रेंड्स, मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भरता और लहसुन के लड्डू बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, देखें आप, ये देखने में ही कितने डिलीशियस लग रहे हैं। बहुत ही देसी रेसिपी है ये और पुराने लोग भी इसे बहुत शौक से खाते हैं, हमारे घर में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।